हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए। ये एक मैराथन क्लास होगी जिसमें कम से कम आपको 400 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समय न वेस्ट करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, अत्यधिक रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय स्थिति विकसित होगी। तो ये कौन सी चिकित्सीय स्थिति विकसित होगी, तो ये हो जाएगा आघात। यानी ए ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा, नहीं ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मग्नता क्या है। मग्नता क्या होती है, होश की अल्प हानि जो होती है ये क्या कहलाती है, मग्नता कहलाती है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, किसी प्रकार के रक्त प्रवाह के रोकने में शामिल मुख्य क्रिया बताइए। तो ये क्रिया कौन सी होगी, उन्नयन, ठंडा करना, साफ करना या दाब। तो ये क्रिया हो जाएगी दाब, यानी डी ऑप्शन सही होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 जो दिया हुआ है, एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक डैश देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और एरोबिक व्यायाम जो है मांसपेशियों को अधिक क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर 255, अच्छे डैश के लिए व्यायाम आवश्यक है। तो किस चीज के लिए व्यायाम आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है व्यायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह सिद्ध है कि व्यायाम है डैश, यानी यह सिद्ध है कि व्यायाम डैश है। क्या है ये, हड्डी का द्रव्यमान बढ़ाता है, हृदय आघात के दौरान हृदय क्षत कम करता है, मधुमेह का जोखिम कम करता है। यानी राइट आंसर जो जाएगा वो डी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक सेहत का एक घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है शारीरिक सेहत का एक घटक, लोचशीलता, संतुलन, हृदय, श्वसन, सेहत, शारीरिक संरचना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं 258, सेहत मंदी की संकल्पना में डैश शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, बौद्धिक स्वास्थ्य शामिल है यहां पे। राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्धिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 295, संपूर्ण सेहत के संतुलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो क्या प्राप्त की जा सकती है, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक सेहत, भावनात्मक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य, आत्मिक, शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेहत में डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सब शामिल हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा व्यावसायिक स्वास्थ्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। तो सफलता प्राप्त करने की कुंजी क्या है, शारीरिक सेहत से रिलेट करेगा, लक्ष्य निर्धारण यहां पे सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 262, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी हैं। तो ये हो जाएंगी आपका, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसी के साथ 263, स्कोलियोसिस डैश से संबंधित एक आसनीय विकृति है। तो ये विकृति है रीढ़, यानी सी ऑप्शन यहां भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्षय रोग टीवी का एक उदाहरण है। टीवी किस चीज का उदाहरण हो जाएगा यहां पे, विश्वव्यापी बीमारी, प्रोडेमिक, स्थानीय या महामारी। तो यहां पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिएगा, महामारी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक करके कमेंट करके बताइएगा 264 का, इसके पहले के वीडियोज में हमने कराया हुआ है। छह रोग में जीवाणु सामान्यतः डैश पर आक्रमण करते हैं, किस पर आक्रमण करते हैं, ये फेफड़े पर आक्रमण करते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। वैंकोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन क्या होता है, ये एक संक्रामक रोग है, एक विषाणु है, एक प्रतिजैविक है, एक प्रति विषाणु है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक विषाणु, यानी बी ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, हैजा के वार्षिक मामले विश्व भर में है। तो ये कितने मामले हैं, ये हैं 1 से 3 मिलियन मामले, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है छोटी माता, यानी डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्रामक रोगों में शामिल है, संक्रामक रोगों में क्या शामिल है, अल्प पोषण, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेटिनोब्लास्टोमा या ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पर
ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा आंसर, डी ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, वेरियला विषाणु डैश के कारक के रूप में जाना जाता है, तो ये किस कारक के रूप में जाना जाता है, यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया, खसरा, छोटी माता या चेचक, तो राइट आंसर जो हो जाएगा छोटी माता हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 271 जो दिया, मानव में हैजा मुख्यता को प्रभावित करता है, तो ये छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या आमाशय, तो मानव में हैजा जो है मुख्यता किसको प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है छोटी आंत को, यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, टीकाकरण के डैश के लिए एक मुख्य नियंत्रण उपाय है, कौन सा मुख्य नियंत्रण उपाय है, तो ये हो जाएगा संक्रामक रोग, यानी ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर मूव कर जाते हैं 273 पे, निम्नलिखित में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है, तो ये किससे प्रभावित होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबो फ्लेसिन, नियासिन, पायराडॉक्सिन, पेंटोथेनिकम, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से के क्या प्रभाव है, विटामिन की वीडियो जिसने भी नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई, वहां से आप लोग विटामिन की पूरी वीडियो फुल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन के बारे में बताया गया है। तो यहां पे विटामिन 6 की कमी के क्या प्रभाव हो जाएंगे, एक्जिमा के कुछ प्रकार हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन से आपके एग्जाम में 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, 2 से 5 नंबर आपके वैरी करते हैं, ये जो बीपीएड का आपका 100 क्वेश्चंस का जो पोर्शन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा की डैश विधि में व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों के विनिमय से सीखते हैं, क्या सीखते हैं, ये समूह चर्चा सीखते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट होगा यहां पे। WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको बताना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि WHO का मुख्यालय कहां स्थित है, और इसके इस प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे WHO के प्रथम महानिदेशक कनाडाई चिकित्सक ब्रोक सिमहोम थे, जिन्होंने तक सेवा की, इन्होंने कब से कब तक सेवा की थी, 1948 से 1953 तक इन्होंने सेवा की थी, जो प्रथम महानिदेशक थे उन्होंने 1948 से 1953 तक सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ, बेरी बेरी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से भी कल एक ट्रिक बताई गई थी, पाचन में समस्या, रक्त संचरण में समस्या, कैल्शियम उपापचय में समस्या, उक्त तीनों, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रक्त संचरण में समस्या, या फिर थक्का, रक्त का थक्का जमने से रिलेटेड आ जाए क्वेश्चन, आप लोग टिक कर देंगे आंख बंद करके विटामिन के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 280 जो दिया हुआ, नियमित रूप से विरेचक का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे किसकी कमी होती है, तो इससे किसकी कमी होती है, इससे जो है पोटेशियम की कमी हो जाती है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, रात्रि अंधता, कंजक्टिवा का सूखना, त्वचा का रूखा और फटा होना और बाल झड़ना डैश के कुछ लक्षण, विटामिन के की कमी, विटामिन ए की कमी, लोहे की कमी या फॉलिक अम्ल की कमी, तो ये किस चीज की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाता है, ये लक्षण है इसकी कमी के, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, हमने बताया था रथ पर करके एक बताया था आपको, ट्रिक बताई थी शॉर्ट ट्रिक, तो रस हो जाएगा रेटिनॉल। आयतन के अनुसार वाह वायु की सही सामान्य संरचना क्या नहीं है, तो कौन सी संरचना नहीं है, तो नाइट्रोजन 80% जो दिया वो ये नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए 78%, तो नाइट्रोजन जो नहीं पूछा गया था 80% जो दिया ये राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अन्य आप लोग देख लीजिएगा, ऑक्सीजन जो दिया हुआ है 20.93% की, 21% भी दिया होता है तब भी सही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% दिया, ये भी आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पूछा जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं पूछा जाता है, आपका पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य गैस में आप आर्गन यहां पे कर दीजिएगा, ये होता है 0.94%। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस में आपका आर्गन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संक्षेपाक्षर यानी एड्स का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय क्या होगा, यहां पे 283 का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे।
एक्वायर्ड एमिनिनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रेनलिन के समान है? तो एड्रेनलिन के समान जो है क्या हो जाएगा, एम्फीटामिन्स हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी के साथ में देखते हैं 285। अमीबा रुग्णता एक रोग है जो किसी संक्रामक अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है जिसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोटोजोआ जनित, यानी ए ऑप्शन सही होगा यहां पर। 286 नंबर, वे वाहक जो लघु कालवित के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यहां पर आप लोग आंसर देख लीजिएगा कौन सा राइट होगा। तो 286 का जो राइट आंसर चला जाएगा आपका डी ऑप्शन, चिरकालिक क्रोनिक वाहक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, चिरकालिक क्रोनिक वाहक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 287 जो दिया हुआ है सीरियल नंबर में, स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निम्नलिखित में सहायता मिल सके। तो ये निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना, प्रतिबद्धता, विनिर्णय या मूल्यांकन, तो राइट आंसर जो हो जाए क्या होगा यहाँ पर, निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन DSSB का एग्जाम जो होता है उसमें पूछे जाते हैं। वह बीमारी जो किसी विशिष्ट संक्रामक अभिकर्ता अथवा इसके उस वैश्विक उत्पाद के कारण हुई जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जानवर से दूसरे जानवर अथवा पर्यावरण से मनुष्य अथवा जानवर तक प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता प्रसारित करने में समर्थ हो कहलाती। इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संक्रामक रोग, यानी बी ऑप्शन सही होगा। शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 से 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बी संक्रमण, यानी ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, संक्षेपाक्षर यानी HIV का अभिप्राय बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी लिखा हो सिंड्रोम तब भी सही होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस लिखा हो तब भी राइट आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट एवं स्टिक पुरस्कार और दंड उपागम का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा? यह प्रोत्साहन तथा पुरस्कार परक व्यवहार, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 292 इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके बाद से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति तथा समूह सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बनाए रखने तथा पुनः स्थापित करने के लिए इस प्रकार से सीखते हैं। और जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी 9621819209 पे आप लोग व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और हमारे फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड भी हो सकते हैं। और नोट्स का जो प्राइस रखा गया 500 रुपीज, आप लोग को उसमें 10,000 मिनिमम क्वेश्चन 10,000 मिलेंगे वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस के रूप में, यानी MCQ और वन लाइनर्स के रूप में मिलेंगे। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे, आप लोग फोन पे और गूगल पे से जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग को वहां पे डिटेल आगे की बता दी जाएगी। गूगल पे और फोन पे केवल दो मेथड है अभी तक इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको सच्चाई से एक मशीन माना जाता है जो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, अंग, प्लीहा, मांसपेशी या लीवर? तो आप लोग आंसर देख लीजिए क्या सही हो जाएगा यहां पे, सी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 जो दिया, व्यायामों के कारण किसके वजन में वृद्धि होती है? तो व्यायाम के कारण किसके वजन में वृद्धि होती है? तो ये वृद्धि जो हो जाती है पिट्यूटरी और थायराइड में हो जाती है, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना में सबसे कम रक्त की आपूर्ति पाई जाती है? तो ये आपूर्ति जो पाई जाती है मेनिस्कल उपास्थि जो होती है इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले देखते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 104 जो दिया हुआ है सीरियल के अनुसार, मांसपेशी फाइबर के संकुचनशील तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ये किस नाम से जाना जाता है, पेशी तंतुओं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, 1 मिलीमीटर रक्त में लगभग कितने प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख या 4 लाख? तो राइट आंसर जाएगा 3 लाख के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो एक टिपिकल एडल्ट ठेठ वयस्क में लगभग कितनी मात्रा में रक्त होता है? तो यह रक्त होता है 5 लीटर, यानी बी ऑप्शन सही होगा।
इसी के साथ 107 नंबर है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम सुझाव एक थके हुए लंबी दूरी के धावक के लिए होता है, ये क्या होता है, कृत्रिम श्वसन जो होता है। यहां पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 108, निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का मिश्रण कंट्रास्ट बाथ है, तो कंट्रास्ट बाथ क्या है, बर्फ चिकित्सा और थर्मोथेरेपी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन एक्सोराइन बहिस्रावित ग्रंथियों का एक उदाहरण है, थायमन ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ, एडिनल अधिवृक्क ग्रंथ, तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 109 का हो जाएगा सेलिवरी लार ग्रंथ जो होती है वो हो जाती है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। एक मनुष्य के हृदय का वजन औसतन होता है तो ये कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 जो दिया हुआ है इसका आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, टर्पेजियस हो जाएगा, मेडिकल गैस्ट्रोनोमियस हो जाएगा, सोलियस हो जाएगा, छाती पेशिया हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हृदय दर को स्पष्ट रूप में कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रति मिनट हृदय को संकुचन की संख्या, यानी बी ऑप्शन सही होगा। हड्डियां लगभग कितने पानी की मात्रा से बनी होती हैं, तो ये बनी होती है 31%, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन एक मादक पदार्थ है, तो ये मॉर्फिन, कोकीन, मारिजुआना या उपरोक्त सभी, ए बी सी, यानी ये तीनों होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहनी के उपचार के लिए क्रोरियोथेरेपी की चिकित्सा का समय निर्धारण है, तो इसका निर्धारण जो 20 मिनट से कम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, रक्त को बहने से रोकने का तेज और सबसे प्रभावी तरीका है, कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है, घाव का सीधा प्रेशर यानी दबाव हो जाएगा। यहां पर विश्व में लगभग कितने प्रतिशत मानव सीधे हाथ का प्रयोग श्रेष्ठ हाथ के रूप में करते हैं, तो सीधे हाथ का प्रयोग कितने प्रतिशत मानव करते हैं, 90% लोग करते हैं, सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर है 118 जो दिया है, माको ट्रामा के कारण निम्नलिखित में से कौन सी चोट लगती है, तो ये जो चोट लगती है स्प्रेन यानी मोच लगती है होती है, सी ऑप्शन रिलेट करेगा। प्रत्येक सांस छोड़ने के बाद भी वयस्क मानव के फेफड़े में लगभग कितनी वायु शेष रह जाती है, तो कितनी वायु शेष रह जाती है, ये 2.5 से 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर, बी ऑप्शन रिलेट करेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हृदय अतिवृद्धि का अर्थ है, हृदय अतिवृद्धि का क्या अर्थ होता है, तो ये एथलेटिक हार्ट होता है, हृदय के आकार में परिवर्तन होता है, दिल की मात्रा में वृद्धि होती है, निलय की दीवार में सामान्य मोटाई होती है, तो यहां पे हो जाएगा एथलेटिक हार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर आप चोटिल अंग को उसी समय गर्म उत्तेजित करते हैं तो आप केवल क्या करते हैं, केवल उसके स्वास्थ्य लाभ में देरी करते हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन से तौर तरीकों का मुख्य कारण प्रवेश करने की क्षमता है, बर्फ की थैली, गर्म भंवर, नरम गर्मी पैक या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दें जिससे सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग अपनी किस क्षमता को बढ़ाने में करते हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दुबला शरीर, द्रव्यमान, लीन बॉडी मास और ताकत के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 124, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स का प्रयोग किस खेल के खिलाड़ी अधिकतर करते हैं, तो ये कौन से खिलाड़ी होते हैं, जिमनास्ट, तैराक, बास्केटबॉल खिलाड़ी या निशानेबाज, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाज होते हैं ये, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। किसके लिए अल्ट्रासाउंड एक उच्च आकर्षण सामग्री है, तो ये क्या होगा राइट आंसर, प्रोटीन, जल, कोलेजन या रक्त की आपूर्ति, तो कोलेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो दिया है, अल्ट्रासाउंड और विद्युतीय उत्तेजना का मेल सबसे अधिक बार किसकी चिकित्सा में प्रयोग में लाया जाता है, ये लाया जाता दर्द या मांसपेशी पुनः शिक्षा, मसल री एजुकेशन, मांसपेशियों के ऐंठन या सूजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दबाव के अंतर को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं पल्स दाब बोलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को, शरीर के किस भाग में लैक्टिक एसिड दुग्धाम्ल का परिवर्तन प्यूरविक एसिड एक साधारण कार्बोहाइड्रेट में होता है, तो यह होता है किसमें, लीवर में होता है, यानी ए ऑप्शन होगा सही। यहां पे भारी व्यायामों के दौरान रक्त की आपूर्ति किस और अधिक हो जाती है, तो यह हो जाती है आपके कंकाल की मांसपेशी की ओर अधिक हो जाती है।
थोड़ा सा यहां पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो बोले जा रहे उसके आंसर सुनिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाने वाले शारीरिक व्यायामों को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको एरोबिक बोला जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है घुटने उपास्थ, जिसको नी कार्टिलेज चोटें मुख्य रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, फुटबॉल से रिलेट करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगर मांसपेशीय तनाव लगातार लंबी अवधि तक बना रहता है तो यह उत्पन्न करता है, तो यह क्या उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है दर्द और पीड़ा। सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 133, लाल रुधिर कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होगा, उत्तकों को ऑक्सीजन का परिवहन, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई, मृत सेल को दूर करना, रक्त प्रसंचरण में वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है, उत्तकों को ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 134 आप देख लेते हैं, त्वचा चमड़ी के नीचे के उत्तकों में लसिका तरल पदार्थ के अत्यधिक संचय को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लिम्फेडमा, यानी शरीर के उत्तकों में सूजन जो आ जाती है उसको बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 135, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना उत्पत्ति करती है, वैकल्पिक वृद्धि और दिल की दर में कमी, दिल की दर में वृद्धि, दिल की दर में कमी है, दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में देख लेते हैं 136 दिया हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में निम्नलिखित की मात्रा निम्न स्तर की होती है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है लिम्फ यानी लसिका मूवमेंट के लिए, तो लसिका मूवमेंट के लिए कौन उत्तरदायी, मांसपेशी गतिविधियां हैं, सक्रिय और निष्क्रिय गतिविधियां, उन्नत स्थितियां, यानी राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे सभी होंगे इसके लिए उपयोगी। किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग होता है फुटबॉल खेलने में, तो किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है फुटबॉल खेलने में, मांसपेशी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत तापीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है यहां पे, आंसर क्या हो जाएगा 138 का, गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, ट्रैक्शन संकर्षण किस पर प्रभाव डालता है, तो यह प्रभाव जो डालता है आर्टिक्लूरस, फेसिक ज्वाइंट, पैरा स्पाइनल पेशी, नर्व रूट्स, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 है, किस प्रकार की मालिश मसाज में उत्तक टिश्यू को रुक रुक कर उठाकर घुमाकर व दबाकर गूंथा या नीड्स जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पैटिसोज, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, यहाँ पर बैक्टीरियल मुर्दा खोर के रूप में जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है, ये WBC को जाना जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को जाना जाता है, और RBC को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, यानी फुल फॉर्म जो होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 142 में दिया है, गतिविधि की गति अधिकतर खेलों के प्रशिक्षण में मुख्यतः निर्धारित होती है, तो ये गत प्रशिक्षण वर्कआउट सजगता की स्थिति वार्म अप व्यायाम द्वारा कौशल दोहराव से, तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सजगता की स्थिति सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 143, मांसपेशियां बदलती हैं, किस तरीके से बदलती हैं, ये बदलती है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अगर पूछा जाए मांसपेशियां बदलती हैं तो किसमें बदलती हैं, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 144, फाइबर जो आवेगों सूचनाओं को पेरिफेरी से एकत्र करके मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं वे हैं, वे क्या होते हैं, वे होते हैं अविवाही केंद्र पर पहुंचने वाला फाइबर, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा आंसर, यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित चोटों में से कौन सी चोट का संबंध रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो रीढ़ की हड्डी का संबंध नहीं है तो ये होगा लैक्रेशन, यानी इसको बोलते छेदना, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146, किसी भी कारण से अगर शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति बाधित कट जाती है तो कितने समय के बाद मौत हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 से 6 मिनट में, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्ट्रेन जिसको खिंचाव एक चोट है जो संबंधित है किससे रिलेट करेगी, ये मांसपेशी से रिलेट कर जाएगी, जो खिंचाव एक चोट है जो किससे रिलेट करती है, मांसपेशी से रिलेट करेगी। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में देखते हैं, माइटोकांड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म कार्य में और ऊर्जा के उत्पादन में, कोशिका श्वसन में, न्यूरो संचरण में, कार्बन डाइऑक्साइड के उन्मूलन में, तो यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा, कोशिका श्वसन में, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149 जो है, मानव शरीर में किस जगह मुक्त फ्री ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये फ्री
ये जो मुक्त ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाई जाती है खून और आंतों में पाई जाती है, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 150 जो दिया है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में अधिक योग्यता होती है, तो ये कि वे चोट के उपचार में स्वयं योगदान देते हैं, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, एपिथेलियल उपकला ऊतक में, संयोजी ऊतक में, दिमाग के ऊतक में, मांसपेशी ऊतकों में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे 151 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है और मायोग्लोबिन की उच्च सांद्रता होती है, तो ये होती है धीरे संकुचित फाइबर, जो बी ऑप्शन है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 जो दिया हुआ है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार है रक्त के थक्के के लिए, तो रक्त के थक्के के लिए कौन जिम्मेदार होंगे, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ये हो जाएंगी जिम्मेदारी, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में दिल की प्रत्येक मिनट वॉल्यूम होती है, तो ये कितनी होती है, बढ़ती हुई, समान या घटती हुई, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो ये जो होती है ये होती है घटती हुई, सी ऑप्शन रिलेट करेगा आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 154 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन भागों में खून का प्रवाह कम होता है और कार्डियो वैस्कुलर हृदय संस्थान में, धमनियों जिसको आर्टरीज बोलते हैं, कोशिकाओं जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, नसों जिसको वेंस बोलते हैं, धमनिकाओं जिसको आर्टरियोलस बोलते हैं, तो राइट आंसर जाएगा आपका कोशिकाओं के साथ में जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा आंसर। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 नंबर, एट्रोफी की दर किसके माध्यम से एक्सीलरेटेड त्वरित उत्तेजित होती है, तो फैजिक यानी चंद्रकला खिंचाव रिसेप्टर्स, एकिटन और मायोसिन तंत्र, रक्त बहाव या गोल्डी टेंटन अंग, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन आप लोग फिर से रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा रक्त बहाव, सी ऑप्शन सही होगा। एचएस टेंडन कंड्रापेसी होने का मुख्य कारण होता है, तो यह मुख्य कारण कौन सा होता है, कठोर सतह पर दौड़ने या चलने से होता है, रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही होगा। 157 नंबर दिया है आपका क्वेश्चन, रक्त लैक्टेट संचय की शुरुआत को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एनएरोबिक यानी अवायवीय सीमा, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें है आपका, उस जैविक प्रणाली का नाम बताइए जो शायद ही कभी शारीरिक व्यायाम में भाग लेता है, तो ये पाचन प्रणाली यहां पर रिलेट करेगा आंसर, सी ऑप्शन के साथ में आंसर चला जाएगा। 159 नंबर, खेल जो चोटों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है, स्टीम बाथ, मसाज, साना बाथ या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो 159 जो रिलेट करेगा मसाज के साथ में रिलेट करेगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नोट्स के लिए आप 9621819209 पे 500 का पेमेंट करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के टाइप में, और ये नोट्स आपको 5 सितंबर से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त बहने के समय शरीर की जीवित कोशिकाएं ऑक्सीजन की प्राप्त किससे करती हैं, तो ये किससे करते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, यहां बी ऑप्शन रिलेट करेगा, लाल रुधिर कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थेरापेटिकल चिकित्सकीय व्यायामों को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है मेडिकल जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए थेरापेटिकल चिकित्सकीय व्यायामों को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो मेडिकल जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता है। एथलीट फूड का कारण है, तो एथलीट फूड का क्या कारण है, ये हो जाएगा फंगस, यानी ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर मैनिपुलेशन उपविभाजित होता है, तो ये उपविभाजित कैसे होता है, थरथराहट और कंपन जो होगा यहां पर, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 164 जो दिया हुआ है, किसी मांसपेशी की विरोधी अंटागोनिस्ट, मांसपेशी का क्या कार्य है, जब शारीरिक क्रियाएं प्रदर्शित की जा रही हो, झूलता हुआ बनेगी, तेज कार्य करेगी, गतिहीनता करेगी, आराम करेगी, तो 164 जो रिलेट करेगा डी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किस ड्रग पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो किस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो अल्कोहल पर प्रतिबंध नहीं लगाया, वाइन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित किस एंजाइम को लार ग्रंथि स्रावित करती है, लाइपेस, अमाइलेस, पेप्टोन या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो यह राइट आंसर क्या होगा, अमाइलेज हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167 सीरियल में जो दिया है, इसमें
निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी वर्ग के खिलाड़ियों द्वारा साधारणतया रक्त डोपिंग का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे जो सही आंसर होगा सहन क्षमता एथलीटों के द्वारा, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा आंसर। साइन स्प्रिंट पिंडली कमंठी कहां पर होता है? पेट में, पेट पैर में नीचे, बैक या ऊपरी पैर में? तो ये जो होता है पैर में नीचे होता है, बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। फ्लैट बैक किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो फ्लैट बैक जो जुड़ा होता है रीढ़ की हड्डी यानी कमर संबंधी होता है, ल्यूम्बर जिसको बोलते हैं, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर, मुख्य मांसपेशी सबस्ट्रेट को जो तुरंत उपलब्ध होता है एटीपी मिश्रण के लिए, तो यहां पे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोस्टोस या उपरोक्त कोई नहीं, तो ग्लाइकोजन रिलेट करेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि सर्वोत्तम है? तो सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी प्रशिक्षण की? उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण जो होता है ये सर्वोत्तम होती है विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेलों की चोटों की पूर्ण चिकित्सा के लिए व्यक्ति को किस पर निर्भर होना चाहिए? अनुकूलन पर, फिजियोथेरेपी, सुधारात्मक व्यायाम या बी और सी दोनों? तो ये निर्भर होना चाहिए बी और सी दोनों, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173, सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है जो खेल चोटों से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है? तो ये आंसर क्या होगा? सुरक्षात्मक आवरण का उपयोग राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 174, हृदय के निम्नलिखित किस भाग से महाधमनी जुड़ी होती है? दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद या बायां अलिंद? तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? तो 174 रिलेट कर जाएगा, बायां नीलय बी ऑप्शन रिलेट करेगा। 175 नंबर जो दिया है, भारी वजन प्रशिक्षण से हो सकता है, क्या हो सकता है? मांसपेशीय अति वृद्धि हो सकती है, यानी जो भारी वजन प्रशिक्षण से हो सकता है क्या होता है? मांसपेशी अति वृद्धि हो सकती है। 176 नंबर, हाइपोक्सिया की स्थिति में निम्न में से किसको अत्यधिक कम मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है? तो यह कम मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है ऊतकों को। अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप लोग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको आसानी से पता चल जाएंगे आंसर्स। 177 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पुरुषों के टिटोस्टिस यानी वृषण महिलाओं के नसें या पाचन में शामिल होते हैं, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो राइट आंसर 177 रिलेट कर जाएगा आपका ए ऑप्शन से। 178 नंबर मूव करते हैं, किसके उपचार के लिए कंट्रास्ट बाथ यानी कंट्रास्ट बाथ का सुझाव दिया जाता है? तो ये जो सुझाव दिया जाता है सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। 179 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध रिकेट्स यानी सूखा रोग से है? तो ये रिलेट कर जाएगा आपका 179 ए ऑप्शन से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टोन बरुईशी पत्थर खरोच के लिए उत्तम चिकित्सा है, तो उत्तम चिकित्सा कौन सी होगा? कठोर सिर कैप का उपयोग करना ये हो जाएगी उत्तम चिकित्सा। 181 स्ट्रेस फ्रैक्चर आम लोगों के बीच में किसमें पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों और एथलीटों में पाया जाता है, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किसमें नहीं पाया जाता? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किसमें नहीं पाया जाता? चावल, फल, पास्ता या ब्रेड में? तो ये फल में नहीं पाया जाता है। और स्प्रिंट मोच का एक चोट है जो संबंधित है, ये किससे रिलेट करता है? हड्डी संयोजी ऊतक, लिगामेंट्स या मांसपेशी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फील्ड हॉकी के खिलाड़ियों को साधारणतः सुझाव दिया जाता है कि अपने पैरों का बचाव करने के लिए किससे बचने के लिए सिन गार्ड यानी घुटने का कवच का प्रयोग करना चाहिए? तो 184 रिलेट कर जाएगा कॉन्ट्यूशन यानी नील, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 185 नंबर, घाव जो किसी तेज धार वस्तु से लगता है जैसे कि चाकू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? आंसर आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, छिन्न घाव जिसको बोलते हैं, ये सही होगा। 186, निम्नलिखित में से किस चोट के चिकित्सा उपचार आप स्वयं नहीं कर सकते? तो ये उपचार आप स्वयं नहीं कर सकते, फ्रैक्चर का, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा आंसर। 187 नंबर, एक पूर्ण राउंड करने के लिए रक्त की बूंद को लगभग कितना समय लगता है शरीर में? तो ये समय जो लगता है 30 सेकंड लगता है, यानी 30 सेकंड्स, ए ऑप्शन सही होगा। 188, मांसपेशियों में मौजूद पानी किसके लिए उत्तरदायी होता? तो ये मांसपेशियों में मौजूद जो पानी होता है ये लचीलापन जो होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो 189 देखते हैं इसी के साथ में, निम्नलिखित में से किसको नर्वस सिस्टम की मुख्य रेखा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रीढ़ की हड्डी जो होती है नर्वस सिस्टम की मुख्य रेखा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से रक्त के द्वारा परिवहन किए जाते हैं? तो रक्त के द्वारा परिवहन ऑक्सीजन, हार्मोन, एंजाइम, राइट आंसर डी के साथ में चला जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 191, एक घंटे में हमारी किडनियां कितनी बार खून की सफाई करती हैं, तो ये होगा दो बार, यानी एक घंटे में टू टाइम्स ये वर्क करती हैं। खून ऑक्सीजन रहित कौन करता है, तो खून को ऑक्सीजन रहित कौन करता है, तो यहां पे फेफड़े, मांसपेशी, तंत्रिकाएं या दिल हो जाएगा, तो मांसपेशियां यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 193, नोक नी अंदर की तरफ मुड़े घुटने इसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं, चपटे पैर जो होते हैं इसके कारण उत्पन्न होते हैं, रिलेट करेगा सी ऑप्शन। 194, किस प्रकार की चोटों में कंप्रेशन दबाव अधिक उपयुक्त होता है, तो ये उपयुक्त होता है अचानक और जल्दी से आने वाली सूजन जो होती है, इसका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। 195, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का साधारण कोलेस्ट्रॉल स्तर क्या होता है, तो ये होता है आपका बी ऑप्शन, रिलेट कर जाएगा 50 to 180 mg/100 ml प्लाज्मा। 196 का देखते हैं, अतिरिक्त वसा किसमें संग्रहित होती है, तो अतिरिक्त वसा जो होती है ये एडिपोस यानी वसा ऊतक पर संग्रहित होती है। 197 नंबर, एक अच्छी तरह कौशलित मांसपेशी तंत्र एक आरामदायक स्थिति में रहता है, तो 197 हो जाएगा डी ऑप्शन, ढीला और लचीला, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर, आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 days आरबीसी का जीवन काल होता है, यानी 120 दिन। मोनोसैक्राइड्स है, तो मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, तो मोनोसैक्राइड्स वसा होते, कार्बोहाइड्रेट होते, प्रोटीन होता है, उपरोक्त कोई नहीं होता, तो मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो सीरीज चल रही है आपका एग्जाम, जो टीजीटी पीजीटी से एग्जाम, जो फिजिकल एजुकेशन का जो भी लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा 1 से 2 बार, और अपने दोस्तों के साथ फिर शेयर करिएगा जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 199 के बाद 200 नंबर दिया हुआ है, शरीर का अशुद्ध रक्त दिल में किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो ये जो प्रवेश करता है किसके द्वारा प्रवेश करता है, इंफीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा, कोरोनरी साइनस, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों की धमनी का कार्य है ऑक्सीजन रहित रक्त को दिल से दूर ले जाना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को दिल की तरफ ले जाना, ए और बी दोनों या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो राइट आंसर हो जाए ऑक्सीजन रहित रक्त को दिल से दूर ले जाना, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में देख लेते 202, पल्मोनरी वेंस जो होती है फेफड़ी की नस का कार्य है, तो क्या कार्य है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की ओर ले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी की प्राथमिक इकाई है, तो मांसपेशी की प्राथमिक इकाई क्या होगा, मायोफिब्रिला जो होती पेशी तंतु जिसको बोलते हैं, ये प्राथमिक इकाई होती है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में देखते हैं 204 नंबर, सेल का नियंत्रण केंद्र होता है, तो सेल का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो होता है आपका सी ऑप्शन, नाभिक केंद्र जिसको बोलते हैं, यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 205 दिया, लोड की वह मात्रा जो रक्त लागू करता है रक्त वाहिकाओं की दीवार को विरुद्ध को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओटेरियल पल्स या धमनी नाड़ी, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, ब्लड विस्कोसिटी या रक्त गढ़पन, स्ट्रोक वॉल्यूम या आघात की मात्रा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। WHO का लक्ष्य स्वास्थ्य के प्रति किस पर केंद्रित है, ये किस पर केंद्रित है, ये केंद्रित है आपका स्वास्थ्य एक भावना है कुल स्वास्थ्य की, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 207, प्रतियोगिता के कितने समय पहले खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट को लोड करते हैं, तो ये लोड करते हैं 3 से 6 घंटे पहले, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा ऑप्शन। 208, चयापचय की प्रक्रिया में कौन सी ग्रंथि मुख्य भूमिका अदा करती है, तो चयापचय का क्वेश्चन एक बार कराया जा चुका है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है, ये 2 questions हो चुके हैं, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका 208 का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 जो दिया हुआ, रक्त शक्तिवर्धक खेलों के खिलाड़ी साधारणतः ड्यूरेटिक मूत्रवर्धक का प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीर के वजन के नियंत्रण में, यानी डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं 23, 22, 24, 26 यानी 26 जोड़े, तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 211, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति पल्स दर को प्रभावित नहीं करती, तो ये प्रभावित नहीं करती है कौन सी,
मेंटल जिम्नास्टिक जो होती है ये प्रभावित नहीं करती है। 212 नंबर देख लेते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को सूचनाओं की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो एक सेल से दूसरे सेल को सूचनाओं की प्राप्ति जो होती है साइनेप्स जिसको बोलते हैं इसके द्वारा होती है। ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। प्रणाली का संचालन में शरीर के सभी भागों को रक्त की आपूर्ति की जाती है शिवाय। अब शिवाय जहां पे लिखा होगा वहां पे देखिए अगर राइट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महिला खिलाड़ी एथलीट एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग मांसपेशी प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करती है जो कि मुख्य रूप से किसके लिए असुरक्षित होता है? तो ये मुख्य रूप से माइग्रेन के झटके के लिए असुरक्षित होता है, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेल के श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? तो सेल के श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? गोल्डी बॉडीज, केंद्रक माइटोकांड्रिया ये या राइबोसोम? तो राइट आंसर क्या होगा? माइटोकांड्रिया यहां पे हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस खेल इवेंट में पैर की हड्डियां जोड़ का उखड़ जाना सामान्य रूप में पाया जाता है? जिम्नास्टिक, डाइविंग होता है या साइकिलिंग या तीरंदाजी? तो ये होगा जिम्नास्टिक जो होता है, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में से कौन नर्वस ऊतक की प्राथमिक इकाई है? तो नर्वस ऊतक की प्राथमिक इकाई हो जाएगा न्यूरॉन। मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथ किसको बोला जाता है? इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? क्या पिट्यूटरी हो जाएगा, थायराइड होगा या थायराइड होगा? तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से क्या हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 219 नंबर दिया है, अधिकतर व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है नीचे के पैर में, गर्दन के ऊपर, हाथों में, रीढ़ की हड्डियों में? तो यह होता है आपका ए ऑप्शन, नीचे के पैर में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ड्रग का प्रयोग चिकित्सकीय रूप से दर्द और चिंता के निवारण के लिए होता है? तो यह होता है आपका ओपिएटस, यानी डी ऑप्शन जो होगा यह सही होगा यहां पे। 221 नंबर देखते हैं, हीलिंग स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया किससे आरंभ होती है? तो ये जो आरंभ होती है ये होती है इन्फ्लेमेशन, जिसको सूजन बोलते हैं, बी ऑप्शन रिलेट करेगा। व्यवस्थित वजन प्रशिक्षण किसके प्रचंड विकास का कारण बनता है? गति की गतिविधि, ताकत सहन क्षमता, प्रतिक्रिया समय, मांसपेशी ताकत? तो राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मांसपेशी ताकत जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक और रासायनिक का मिलान नर्व जिसको नस की जलन के रूप में समाप्त होता है जो इंगित करता है सोरनेस या पीड़ा, दिल का दौरा, कार्य क्षमता में कमी या दर्द? तो 223 का राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ में। अधिकतर खेल चोटों से प्रभावित होती हैं, तो ये किससे प्रभावित होती हैं? कोई भी हो सकता है, यानी वृद्ध और बड़ी उम्र के एथलीट, अनुभवहीन खिलाड़ी, सी ऑप्शन रिलेट करेगा। अधिक रक्तदाब की स्थिति में निम्नलिखित में से दिल का कौन सा चैंबर जोरदार अधिक तरीके से कार्य करता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां निलय हो जाएगा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन हीट एप्लीकेशन का एक लोकल स्थानीय प्रभाव नहीं है? तो लोकल स्थानीय प्रभाव किसका कौन सा नहीं है? मांसपेशीय तनाव में जो वृद्धि है, यानी ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा आंसर में। 227 नंबर, हमारे दोनों फेफड़ों में लगभग एल्वियोली की कितनी संख्या मौजूद होती है? तो यह मौजूद होती है 600 मिलियन। 228 नंबर, मसाज की पैट्रिसेज विधि को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है त्वचा को गूंथकर के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। अधिकतम ताकत के विकास के लिए किस चर का सबसे अधिक अधिकृत रूप में माना जाता है? तो यह माना जाता है शरीर की संरचना, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 230 दिया हुआ, त्वचा पर टेम्पोटेंट की गिनती किसमें होती? तो ये जो गिनती होती है पाउंडिंग, नीडिंग, स्टॉकिंग या फ्रिक्शन? तो 230 का आंसर हो जाएगा पाउंडिंग, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में, मसाज की एफिलेरेशन विधि की गणना की जाती है, ये किसमें की जाती है गणना? ये गणना की जाती है स्ट्रॉकिंग त्वचा की, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 232 को देख लेते, एथलीट को खेलों की चोटों के दौरान तुरंत दिए जाने वाली चिकित्सा है, तो ये कौन सी चिकित्सा होती है? क्रायोथेरेपी होती है, बी ऑप्शन सही होगा। 233 दिया हुआ है, जब संवेदी उत्तेजना के स्तर का चयन करते हैं तब क्या पल्स अवध माइक्रोसेकंड का चयन आप करेंगे संवेदी तंत्रिकाओं के अनुकरण में? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यहां पे कम हो जाएगा, अधिक मध्यम या कम दिया तो सी ऑप्शन रिलेट करेगा। FIMS इंगित करता है, तो ये क्या इंगित करता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको सपोर्टिव, यानी सी ऑप्शन सही होगा। तीव्रता से अपने उद्देश्य के स्तर तक पहुंचने के लिए छोटी अवधि प्रोत्साहन की आवश्यकता है,
तो ये आवश्यकता हो जाए कम अधिक लगातार प्रत्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे अधिक। क्वेश्चन नंबर 236, दिल के सबसे बाहरी परत को कहते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, एपिकार्डियम बोला जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं, निम्नलिखित सभी उत्तेजनीय उत्तक हैं सिवाय, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनिस्कल हो जाएगा, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता, ये किसमें नहीं होता, ये नहीं होता है लाल रुधिर कणिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी में नहीं पाया जाता है, जब मसाज लेते हैं तब उसकी शुरुआत और अंत करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो ये करना चाहिए एफ्लुएरेज, यानी डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 240 है आपका, हमारे कान जिम्मेदार होते हैं हमारी किस सेंस चेतना के लिए, तो ये होते हैं शारीरिक संतुलन के लिए, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 241 देख लेते हैं, यहाँ पे क्रॉनिक अत्यंत थकावट की सीमा का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये जो किया जाता है क्लिनिकल नैदानिक विधि इसको बोलते हैं, इसके द्वारा किया जाता है, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। एनाएरोबिक व्यायाम जैसे कि वजन प्रशिक्षण मददगार होता है, तो ये मददगार होता है कार्डिक प्रणाली को मजबूती में, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ड्रग जो मुक्त करती है गहरी भावनाओं से जानी जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नारकोटिक्स, सेडेटिव्स, ड्यूरेटिक या बीटा ब्लॉकर्स, तो सेडेटिव्स इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद होता है रक्त प्लाज्मा और स्टर्म उरास्थि में, तो ये जो होता है ये होता है 92%। क्वेश्चन नंबर 245 यानी 245, एनर्जी ऊर्जा की जरूरत निर्भर करती है उसकी किस पर, शारीरिक गतिविधि पर, लिंग पर, उम्र पर या उपरोक्त सभी पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी पर, डी ऑप्शन होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बुनियादी चयापचय दर मुख्यतः संबंधित होती है व्यक्ति की किस मात्रा पर, तो ये होती है शारीरिक गतिविधि पर, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से किस खेल प्रोग्राम में पावर शक्ति को सफलता की कुंजी माना जाता है, तो यह माना जाता है पोल वॉल्ट को माना जाता है, बी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, एक्लिमेजनेशन लिखा हुआ है, यह परिस्थिति अनुकूल का अनुकूलन का अर्थ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, एस्लिमेजेशन लिखा हुआ है, पर्यावरण के लिए शारीरिक अनुकूलन, ऊंची ऊंचाई के लिए जोखिम, वातावरण के निरंतर जोखिम या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए शारीरिक अनुकूलन। 249 का देख लेते हैं, कोई भी योग्यता जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इतनी मददगार नहीं होती जितनी कि, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की स्थिरता, यानी ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 250, श्वसन तंत्र का नियंत्रण कक्ष स्थित होता है, यह किसमें स्थित होता है, हाइपोथैलेमस मज्जा, मेरु मज्जा यानी केंद्रीय कॉर्टिकस या ब्रेन स्टोम, तो 250 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मज्जा, मेरु मज्जा जिसको बोलते हैं। ड्रग जो सेंट्रल सिस्टम को उत्तेजित करती है क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है आपका एम्फेटामिन, यानी सी ऑप्शन सही होगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9621819209 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, एडमिन फिजिकल एजुकेशन, और नोट्स के लिए आपको 500 पे करने पड़ेंगे जो पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे, वो जो पेड क्लास है, जो बाकी जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड कर लिया जाएगा, और पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो 500 पे करने पड़ेंगे गूगल पे और फोन पे के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 250 का, मोच है टकने के लिए कंट्रास्ट बाथ को किस स्थिति में देना चाहिए, तो किस स्थिति में देना चाहिए, तो यहां पे जो राइट आंसर रिलेट करेगा केवल जब सूजन स्थिर हो जाए, यहां पे ए ऑप्शन सही होगा। किसके कारण ब्लड लैक्टेट में वृद्धि होती है, तो किसके कारण से यह वृद्धि होती है, तो यह वृद्धि जो होती है यह आपकी होती है एन एरोबिक, यानी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, इसमें ब्लर दिख रहा है। 254 है, अनैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करते हैं, तो ये नाड़ी नर्व्स के द्वारा करते हैं, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 जो दिया है, ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करता है, तो ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण कौन करता है, तो दिमाग करता है, जिसको ब्रेन बोलते हैं, बी ऑप्शन रिलेट करेगा। कार्डियक आउटपुट ब्लड की एक मात्रा है जिसको निलय पंप प्रसारित करता है, एक 256 हो जाएगा मिनट, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। यहां पे
निम्नलिखित में से किसमें पानी के प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये किसमें पाई जाती है? सलाइवा होता है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। एक संपूर्ण दिल की धड़कन की अवधि होती है, तो ये कितनी होती है अवधि? 258.08 सेकंड आपका रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। दिल के पेसमेकर के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एस ए नोड को जाना जाता है, सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 260। निश्चित समय में खून की मात्रा का हृदय से बह जाना क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं नेक्स्ट 261 पे। ये दिया हुआ है अत्यधिक कठिन तीव्रता के व्यायामों के दौरान थकावट होने का मुख्य कारण है, तो ये लैक्टिक एसिड यानी दुग्ध अम्ल का बनना, ये तो थकान को पता चलता है लैक्टिक एसिड जब बनता है। लिम्बर्गो को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिर में दर्द, पेट में दर्द, नीचे कमर में दर्द या ऊपरी कमर में दर्द? तो इसको बोला जाता है नीचे कमर में दर्द, यानी 262 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अटारी धमनी पैरों को और निचले पेट को रक्त की आपूर्ति करती है? तो ये करती है इलियक, यानी डी ऑप्शन सही होगा। जब टैनिस एल्बो विकसित हो जाती तो आप क्या करेंगे? जब टैनिस एल्बो विकसित हो जाती तो आप क्या करेंगे? खेल को खेलना बंद करेंगे, यानी खेल को खेलना बंद कर देंगे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। कौन सी वेन्स नस ऑक्सीजन रहित खून को लीवर से निकालती हो इंफीरियर वेन कोवा के लिए? तो 265 हो जाएगा हिपैटिक, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा आंसर यहां पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रीनल वृक्कीय रक्त प्रवाह है, तो ये क्या होता है? व्यायामों के दौरान घटता है, ए ऑप्शन सही होगा। फाइबर जिनमें छोटे पार जाने के अनुभाग क्षेत्र होते हैं, तो ये किनमें होते हैं? धीरे संकुचित, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 268 जो दिया खून के थक्के जमाने में निम्नलिखित कौन सहायक होता है? तो खून के थक्के से रिलेट जैसे ही आ जाए विटामिन आपका हो जाता है के, लेकिन यहां पर राइट आंसर आ जाएगा आपका कैल्शियम। अधिक तेजी से वजन कम करना 24 से 48 घंटों में केवल एक ही पदार्थ को कम करके किया जा सकता है, कठिन वर्कआउट, एपेटाइट की कमी, उपवास या पानी की कमी? तो 269 हो जाएगा पानी की कमी के द्वारा आप इसको कम कर सकते हैं वजन को। निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता होती अधिक तेजी से घाव की चिकित्सा में? तो किसकी आवश्यकता होती? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ या प्रोटीन? तो यह आवश्यकता होती प्रोटीन की। नीचे मुख्य मांसपेशियों के समूह दिए हैं जो क्लीन और जर्क लिफ्ट के प्रदर्शन में कार्य करती हैं सिवाय किसके सिवा? तो ये सोलियस हो जाएगा यहां पर राइट आंसर बी ऑप्शन। स्नैच लिफ्ट के दौरान शरीर के ऊपरी हिस्से की किन मुख्य मांसपेशियों का प्रयोग होता? तो 272 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेपेजियस, यानी डेल्टाइडस, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। यहां पर तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना होने के कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया हुआ है हृदय दर में वृद्धि, चिंता के स्तर में वृद्धि, हृदय दर में कमी, मांसपेशी स्थिरता, सी यानी 3-4 राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग शरीर में आराम और पाचन की प्रतिक्रिया में सहायता करता है? तो यह सहायता करता है आपका पैरासिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, ए ऑप्शन रिलेट करेगा यहां पर। प्रदर्शन को बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स जैसे कि हार्मोन टेलेस्ट्रोन शरीर में जल्दी से किसका निर्माण करते हैं? तो ये निर्माण जो करते हैं शक्ति और मांसपेशी का करते हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर मूव कर जाते हैं 276। प्रदर्शन को बढ़ाने वाली एर्गोजेनिक एंड ब्लड डोपिंग किस खेल में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है लंबी दूरी की साइकिलिंग, या सी ऑप्शन रिलेट कर जाए। क्वेश्चन नंबर 277। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग सीधे तौर पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है और दर्द के अनुभव को कम करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। कौन से प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ ध्यान और सजगता को बढ़ा देते हैं? तो ये बढ़ा देते हैं बी ऑप्शन सिस्टम्स जो होते हैं ये बढ़ा देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस ड्रग में गर्भाशय की मांसपेशी और कोमल मांसपेशियों के स्थिरीकरण में सहायता मिलती है? तो ये सहायता जो मिलती है स्टिमुलेटेंट्स हो जाएगा, सोडाविटस हो जाएगा, वीडा 2 में एग्नोसिस्ट हो जाएगा, जीन डोपिंग होगा। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 280। किस प्रकार की चोटों में छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है जो कि उत्तकों के भीतर रक्त बहने का कारण बनती है? तो ये नील गुमचोट जो होती है ये राइट आंसर हो जाएगा 281। एक मांसपेशी को आघात पहुंचता है जब मांसपेशी फाइबर के अधिक खिंचाव और फट जाने से,
नील और चोट, घाव, स्टेन या स्प्रेन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टेन। जोड़ की एक चोट को लिगामेंट के अत्यधिक खिंचाव से उत्पन्न होती है, तो 282 स्प्रेन राइट आंसर हो जाएगा यहां पे ए ऑप्शन। 283, निम्नलिखित में से कौन सी चोट अति प्रयोग और तनाव को दोहराने से नहीं होती, तो 283 का राइट आंसर रनर नीज, टेनिस एल्बो, टेंडोनोसिस यानी घाव। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर मूव का जाता है 284 पर, किस चिकित्सा प्रणाली में दर्द को कम करने के लिए जल का प्रयोग होता है, तो जल का प्रयोग किसमें किया जाता है, हाइड्रो चिकित्सा में किया जाता है, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 285 नंबर देख रहे थे, किस चिकित्सा प्रणाली को साधारणतः ठंडी चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, तो 285 जो हो जाएगा क्रायो चिकित्सा यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 286, कौन सी ग्रंथि अधिक निकट रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है बजाय अंतःस्रावी प्रणाली के, तो आप लोग इसके ऑप्शन पीनियल ग्रंथ, अधिव्रक ग्रंथ, एड्रेनल जिसको बोलते हैं, लार ग्रंथ या थाइमस ग्रंथ। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थाइमस ग्रंथ, डी ऑप्शन रिलेट करेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 287, कौन सी ग्रंथ नींद और जागने के चक्र को नियंत्रण करने में मदद करती है, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है ये नियंत्रण करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 288 में दिया हुआ, कौन सी ग्रंथि है जो प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है, थाइमस ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ, अधिव्रक ग्रंथ या लार ग्रंथ। तो ये जो स्थित होती है अधिव्रक ग्रंथ जो होती है ये स्थित होती है। 289 यहां पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, शरीर के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले वाली ब्लड शुगर, प्रोटीन और वसा को जलाने में सहायता प्रदान करने वाले हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है, तो 289 का राइट आंसर हो जाएगा अधिव्रक ग्रंथ यानी सी ऑप्शन सही होगा। 290 नंबर यहां पे देखते हैं क्या होगा, खड़े होने की स्थिति में जिसमें पांव का संपूर्ण तलवा जमीन को छूता है क्या कहलाता है, चपटे पैर कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे ये, चपटे पैर कहलाएंगे यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। 291 देखते हैं, रीढ़ की हड्डी की किस विकृत पे पीठ के ऊपरी हिस्से असमान रूप से गोल हो जाते हैं 50 डिग्री की वक्रता पर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका काफोसिस, काफोसिस जो है यहां पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 292 नंबर देखते हैं, व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पीठ के निचले हिस्से की तरफ से काफी हद तक अंदर की तरफ वक्रता ले लेती, यह अवस्था कहलाती है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है, लोरडोसिस कहलाती है यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी के किस विकृत में वक्रता साधारणतः एस या सी आकार ले लेती, यह स्थित क्या कहलाती है, यह स्थित आपकी कहलाती है स्कोलियोसिस यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा यहां पे आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 294 देखते हैं, एक स्थित जिसमें शरीर के उत्कों में तरल पदार्थ अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, 294 का आपको आंसर बताना है क्या सही हो जाएगा यहां पे, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा 294 क्या होगा यहां पे राइट आंसर, 294 का राइट आंसर हो जाएगा ओडेमा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 295, एक चोट जिसमें दर्द महसूस कराता है कि आप एक कंकड़ के ऊपर चल रहे हैं, स्ट्रेन, स्प्रेन, गुम चोट या पत्थर खरोच, स्ट्रेन बरिंसी, तो राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं, किस ऊतक की परतें कोई भी रक्त वाहिकाओं को शामिल नहीं करती हैं, तो यहां पे कौन सी शामिल नहीं करती, उपकला ऊतक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 297 यहां पे देख लेते हैं, कौन सी संरचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में रासायनिक या विद्युत संकेतों को पास करने की अनुमति देती है, तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 297 का ये हो जाएगा साइनपेस यानी बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 298, किसके कार्यों की शुरुआत उल्टी से छींकने तक होती है, तो हाइपोथैलेमस और मेरुमज्जा हो जाएगा, केंद्रीय कॉर्टेक्स हो जाएगा या मस्तिष्क सिस्टम हो जाएगा, 298 का रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन। 299 यहां पे देख लेते हैं, क्रायोथेरेपी का तरल नाइट्रोजन को कम तापमान पर प्रयोग से किसकी असमान वृद्धि को खत्म किया जाता है, तो ये खत्म किया जाता है उत्तकों को यानी ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। मूव करते हैं 300 नंबर पर, निम्नलिखित में से मुलायम उत्तकों की चोटों के प्रबंधन की प्रक्रिया को सही से व्यवस्थित कीजिए, तो यहां पे व्यवस्थित करना, तो सबसे पहले क्या आएगा, आएगा आराम, फिर आ जाएगा आपका बर्फ, फिर आ जाएगा दबाव, फिर आ जाएगा उठाना, यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 301, एक मिनट, हाँ, इसमें मिलान करना है, मिलान करने के लिए आपको बताना है कि किससे किसको मैच किया जाएगा, तो सही से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा।
वैकृत फ्रैक्चर, इसको मैच कर देंगे हड्डियों में कमजोरी से, ठीक। और नेक्स्ट है तनाव फ्रैक्चर, ये मैच हो जाएगा हेयर लाइन फ्रैक्चर से। और थर्ड है व्रक यानी कि परोच फ्रैक्चर, तो ये हड्डियों में कोणीय ब्रेक विखंडित फ्रैक्चर मैच हो जाएगा हड्डियों के कई स्थानों में टूट से। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के 5 से 10 क्वेश्चन आपको DSSSB के एग्जाम में मिलते हैं, या फिर आपका UPTGT LT ग्रेड RPSC या प्रवक्ता लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं मैचिंग से रिलेटेड। क्योंकि मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देने से ये होता है कि यहाँ पे एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 302, इसमें भी मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो छिलना है इसको मैच कर देंगे घाव से। लिगामेंट का अत्यधिक जो खिंचाव होता है स्प्रेन से मैच हो जाएगा। मांसपेशी फाइबर में तनाव स्ट्रेन से हो जाएगा। और जबकि छोटे रक्त कणिकाओं में ह्रास जो होता है ब्रूसी यानी 1, 2, 3, 4 राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303, इस पर भी मैचिंग करनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। गूंथना जिसको नीडिंग बोलते हैं ये हो जाएगा पैट्रिसाज। स्ट्रोक्स हो जाएगा एफ फलरेस से। मांसपेशी ये ढीला करना हो जाएगा वार ब्रेशन या कंपन से। उंगली से त्वचा की मसलना हो जाएगा फ्रिक्शन, यानी 1, 2, 3, 4 जिसमें हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ पल्मोनरी एडिमा एक विकार है जिसकी पहचान किसमें से तरल पदार्थ का संग्रह करके पता लगाया जा सकता है, तो यह लगाया जा सकता है एल्वियोली वायु कोष्ठिका के द्वारा, यानी बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 है, यह दिया हुआ एड्रेनालाइन हार्मोन किसमें उत्पन्न होता है, तो यह जो उत्पन्न होता है अधिवृक्क ग्रंथ में उत्पन्न होता है, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस स्थिति में बढ़े हुए रक्त की मात्रा और बढ़ी हुई कोशिका चयापचय क्रिया का पता चलता है, तो ये पता जो चलता है आपका ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, गर्मी होता है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307, मनुष्य की हड्डी के निर्माण में सहायक मुख्य तत्व है, तो इसमें सहायक मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं, जब श्वेत रक्त कणिकाएं कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली में पहुंचती हैं तो ये क्या होती हैं, अपना आकार बदल लेती हैं, ऊर्जा का पुनर्निर्माण करती हैं, रक्त की गतिविधियों को घटाती हैं, बिजली उत्पादन करती हैं, तो ये अपना आकार बदल लेती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ड्रग मांसपेशियों के आकार और मांसपेशी संकुचन को बढ़ा देती है, तो ये हो जाएंगी एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो होता है ये होगा राइट आंसर, यहाँ पे संकुचन को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 310, मांसपेशी की कोशिका को तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जरूरी है, तो ये क्या होगा, फास्फोक्रिएटिन जरूरी होता है इसके लिए, ए ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 311, बुनियादी अनुसंधान आमतौर पर किससे संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है आपका शरीर पर शारीरिक मुद्रा अंतर्निहित की जांच से, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर है 312 नंबर है, आपकी त्वचा में नव चंद्रक इसको माइस्मिक बोलते हैं डिस्क के क्या कार्य है, तो इसके क्या कार्य होते हैं, हड्डी से हड्डी का संपर्क रोकने के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मोटर इकाई तंत्रिका पेशी जोड़ पर न्यूरोट्रांसमीटर जारी होता जो सदैव होता है, ये KVS में पूछा हुआ क्वेश्चन है और NVS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक्टिचोलिनो हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हृदय श्वसन तंत्र पर नियंत्रण किसकी सहायता से किया जाता है, तो ये जो किसकी सहायता से करते हैं, ब्रेन स्टीम की सहायता से किया जाता है, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं, स्वैच्छिक गतिविधि के प्रदर्शन में पहला कदम किसके द्वारा होता है, तो ये पहला कदम होता है सब कॉर्टिकल और कॉर्टिकल क्षेत्र से, यानी डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। 316 यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक 20 साल के साधारण स्वस्थ पुरुष के लिए क्या होता है, शरीर के कुल वजन का 30% वसा होनी चाहिए, स्किन फोल्ड की मोटाई महिलाओं से अधिक होनी चाहिए, कार्डियक आउटपुट की अधिक से अधिक होनी चाहिए, निकासी के दौरान 10 लीटर प्रति मिनट होनी चाहिए, हृदय की दर अधिकतम निकासी के दौरान 200 प्रति मिनट होनी चाहिए, तो 316 का जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, एक ओलंपिक स्तर की फिटनेस विशेष रूप से किसके उच्च स्तर से संबंधित होती है, तो ये किसके उच्च स्तर से संबंधित होती है, धीमी स्ट्रोक वॉल्यूम से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 318 नंबर है, यहां पे दिया हुआ है,
एक खेल के आयोजन से पहले की चिंता की भावना में वृद्धि को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो ये जो जोड़ा जा सकता है, हृदय दर, एड्रेनलाइन का संचारी स्तर, श्वसन दर में आराम, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, नहीं ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक विकार में रक्त में खराब या दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका हेमाटोमा या हेमाट्यूरिया हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, सिकल कोशिका एनीमिया हो जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिकल कोशिका एनीमिया हो जाएगा। 320 का राइट आंसर क्या होगा? चयन करना है यहां पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में क्या क्या होता है, प्लाइमर, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 321 जो दिया है, सबसे अधिक सक्रिय फागोसाइटिक श्वेत रोधी कोशिकाएं WBC होती हैं, तो ये होती हैं क्या? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 322 देखते हैं, यहाँ पे लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर के अनेकों कार्यों से है, निम्नलिखित में से उस कार्य को पहचानने जो लीवर हमारे शरीर में नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक हार्मोन का श्राव, यहां पे डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 323 देख लेते हैं, बाधा दौड़ में पैरों की मांसपेशियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ऊर्जा का स्रोत है, तो उत्तरदायी ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? प्रदर्शित यानी ATP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थमा जिसको बोलते हैं मुख्यतः किसकी वजह से होता है? तो ये हो जाता है आपका ऐंठन के कारण बाकी वॉल्स मांसपेशियों के को कसना के कारण हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 325 जो दिया है, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम थे देशों में महिलाओं में सबसे लोकप्रिय टीम गेम कौन सा है? हॉकी, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल या बास्केटबॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटबॉल। आज भी भारत में महिलाओं में खेलों में भागीदारी कम होती है, स्कूल के दिनों में खेल के ऊपर सबसे ज्यादा नकारात्मक रूप किसका रहता है? तो ये नकारात्मक रूप होता है दूसरे विषयों के अध्यापकों का, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 327, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला का नाम क्या था? ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328, यहां पे पेरिस 1900 ग्रीस ग्रीन ओलंपिक खेलों में कितनी महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 328 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 22, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने का कारनामा कुल कितनी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अब तक किया? तो 329 का राइट आंसर 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 330, महिला और पुरुष खिलाड़ियों को बराबर पुरस्कार देने वाला पहला बड़ा टूर्नामेंट है, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होगा? अमेरिकी ओपन जो होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331, निम्नलिखित व्यवसायों में से किस व्यवसाय में महिला और पुरुषों के बीच सबसे अधिक आय का अंतर पाया जाता है? तो ये अंतर जो पाया जाता है खेल में पाया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संस्थान जिसने सर्वप्रथम लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित किया किसके द्वारा ये खोला गया था? ये गट्स मट्स हो जाएंगे, एडवांस स्पीच हो जाएंगे, फेडरिगान हो जाएंगे, जॉन डीवी हो जाएंगे। 332 का राइट आंसर हो जाएगा गट्स मट्स हो जाएंगे, ए ऑप्शन। भारत के में खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे कौन से कारण छिपे हुए? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ABC यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु। अगर हम कार्य करने के आंकड़ों को देखें तो बुजुर्ग व्यक्तियों में कौन अधिक मात्रा में कार्य करते हुए पाए जाते हैं? तो पुरुष महिला ए और बी दोनों, या विधुर या विधवा? तो ये राइट आंसर यहां पर रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ में, बी ऑप्शन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक वयस्क पुरुष और महिला की तुलना की जाए तो महिला में क्या अधिक पाया जाता है? वसा, दिमाग, संयोजी ऊतक, मांसपेशी? तो 336 का राइट आंसर हो जाएगा वसा, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337, घाव और कटने में सूजन की प्रक्रिया है क्या है? तो इसकी प्रक्रिया जो होती है ये हो जाएगी ए ऑप्शन, यानी मरम्मत जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है आपका ABC, ये सभी होती है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339 का राइट आंसर क्या होगा? अधिकतर 50 की उम्र के बाद भारत में व्यक्तियों की मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है, तो ये कौन सा कारण बनता है? तो इसका हो जाएगा हृदय की बीमारियां होकर, राइट का आंसर ए हो जाएगा। किसके द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा धीमा किया जा सकता है? 340 का राइट आंसर होगा उचित पोषक तत्व, पर्याप्त नींद, व्यायाम की मात्रा, उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341, यहां पे बढ़ती हुई उम्र का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है जर्नियोटोलॉजी के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट
ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुजुर्ग व्यक्तियों को मधुमेह के शिक्षण के लिए समूह में अनुदेश किसके लिए प्रभावी होते हैं, तो ये होते हैं बी ऑप्शन रिलेट करेगा मधुमेह की सामान्य देखभाल के लिए। नेक्स्ट, बुजुर्ग व्यक्तियों में मौत का एक मुख्य कारण कैंसर है, अवरोही क्रम में कैंसर का चयन कीजिए। यहाँ पे अवरोही क्रम बताना है आपका, अवरोही क्रम का मतलब होगा सबसे पहले जो होता सबसे बड़ा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, ये क्रम ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अस्थि के एक छोर से दूसरे को जोड़ने वाले संयोगी उत्तक को तंतुमय पट्टी, अस्थिबंध, लिगामेंट में तनाव तथा अथवा विवरण की स्थिति कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मोच स्प्रेन, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखते हैं, कौन सी धमनी हृदय रक्तापूर्ति वहन करती है, तो ये फुसफुस धमनी हो जाएगी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 3, 4, 6, पिछली जांघ की मांसपेशियां भी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, हैमस्ट्रिंग्स कहलाती हैं, यानी ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। 3, 4, 7, तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव कहलाता है, ये कहलाता है आपका तनाव, यानी बी ऑप्शन रिलेट करेगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, दक्षिण अलंद और दक्षिण निलय के बीच हृदय धर कहलाता है, तो ये कहलाता है द्विमूल वॉल्व होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया कहलाती है, 3, 4, 9, फास्फो क्रिएशन, बी ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, ये है लीस मास तथा फैट मास के संदर्भ में शरीर का मेकअप है, तो ये होगा पेशी, अस्थि, महत्वपूर्ण उत्तक तथा अंग। ये थे आज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम 400 प्लस क्वेश्चन, ये 400 के आसपास क्वेश्चन आज के वीडियो में लिए गए, तो 400 प्लस ही हैं, 400 से कम क्वेश्चन नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9621819200 नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके एड मी फिजिकल एजुकेशन ग्रुप कर लिख कर भेज सकते हैं, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और जिसको भी नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में 500 रुपीज़ पे कर सकता है इसी नंबर पर फोन पे और गूगल पे के द्वारा। और नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।